मॉर्निंग टू ऑल। और आज बहुत दिन बाद मेरा मन किया थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाने का, क्योंकि थोड़ा फ्री हुई मैं तो सोचा बना लेते हैं। और आप लोग को बता दूं कि मेरा टाइम का पता नहीं चलता, ये भी 6 o'clock हो रहा है और मेरा बेबी मेरे साथ वॉक करता है। अभी ये 1 month 10 days का हुआ है और इसको बहुत अच्छा लगता है। तब तक एक बाबा आते हैं रोज़, जो कि मेरा बच्चा खुद अपने हाथों से पैसे उनको देता है। और उसके बाद मेरा रूटीन ये रहता है कि इसका फीडर वगैरह मैं पानी उबॉइल करके उसमें डालती हूँ, देन अपने लिए मैं अजवाइन का पानी और थोड़ा सा ओट्स बनाती हूँ और वो खाती हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि जो एक वो हादसा हुआ है ना कोलकाता वाला, वो सोच सोच के ना पूरी रात नींद भी नहीं आती कभी। इस तो आज़ाद हो गया, बट आज भी लड़कियां सेफ नहीं है किसी भी फील्ड में। अभी तक ये था कि मेडिकल लाइन में लड़कियां सेफ हैं किसी चीज़ में, अब मुझे लगता है कहीं भी सेफ नहीं। वो जब तक सेफ नहीं होंगे जब तक इस टाइप के दरिंदे घूमते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि ऐसा कानून बनाना चाहिए जो लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, चाहे उनके ससुराल में हो रहा हो गलत, या बहुत सी लड़कियों के साथ ऑफिस में, हर जगह पर ये सीन चलता रहता है। तो मैं बस यही कहती हूँ कि ऐसा कानून बनाओ जिससे कि ये सब चीज़ें कम हो जाए दुनिया भी। और मैं एक मदर्स को को कहना चाहूँगी जिनके पास बेटे हैं, उनको भी बहुत अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छी सोच देनी चाहिए, एक औरत की इज्जत करना सिखाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ अपनी माँ बहन की इज्जत करता है तो उसको इज्जत करना बोलते हैं। इसके आगे मैं और क्या बोल सकती हूँ, मैं चाहती हूँ हर इंसान ये सोच रखे।